फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले जैसे कृष्णा जय श्री राधे, वो देखो हमारे जय श्री कृष्ण और जय श्री राधे। और अब समय हो चुका है 12:30 हो रहे हैं। खाना मैंने आज बना चुकी हूँ। खाने में मैंने बनाया है मटर पनीर बनाया, जो मेरे बेटे को बहुत पसंद है। वो गया हुआ है स्कूल में पेपर देने के लिए और मैं घर में अकेली हूँ। और खाना बनाने के बाद, ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद फ्री होकर मैं आपसे बात कर रही हूँ। और देखते हैं यहाँ कौन है, जो कोई दिखा है। नहीं कोई, देखो आवाज तो आ रही है। निखिल इधर आई हो? निखिल आया, ये रहा निखिल। निखिल ने तो कपड़े बदल लिए। पैंट भी बदलो बेटा। हाँ पैंट भी बदलो, जल्दी जल्दी से फिर आना। और अभी मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय। नहीं बनाऊंगी, कल मैंने चाय 5 बार पी ली। अच्छा। और चाय पीने की वजह से मेरे को पता नहीं क्या हरकत सी हुई शरीर में, तो मुझे बीपी कम हो गया। क्योंकि चाय देखो मीठा तो होता ही है, चाय ऐसा तो है ना कि मीठी नहीं होती। और मैं मीठा खाती भी बहुत हूँ, तो चाय बनाई थी तो चाय में मीठा बहुत ज्यादा डल गया था, तो वो मैंने पी ली। और कल मैंने 5 बार चाय पी ली, और जिसकी वजह से मेरी तबीयत डाउन हो गई। मेरा बीपी बढ़ गया, और बीपी बढ़ नहीं गया था, मतलब घट गया था मेरा, ठीक है बीपी। और फिर उससे क्या हुआ कि मेरे को ना ऐसे लगा जैसे आंखें भारी सी हो गई एकदम से। तो अब मेरे को दवाई लेके आनी पड़ी, और फिर सारे शरीर में भी दर्द होने लग गया था। ठीक है समरिया। तो अब मास्टर जी ने मेरे को सख्त इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि चाय नहीं पीनी, तो इसलिए मैं चाय नहीं पीऊंगी। मैं अपने लिए दूध गर्म करूंगी। ये देखो प्रियांशु क्या कर रहा है, वो फोन देख रहा है। और ये देखो, ये ना बर्तनों के साथ खेल रहा है। इसके खेल खिलौने तो बेचारे के यही है। ओए प्रियांशु, ला मेरे को दियो, मेरे को दे दो, मेरे को देना, इधर लेके आओ। आजो फटाफट खड़ा होके लेके आ, जल्दी जल्दी ले आओ प्रियांशु। ओए तेरी गाँव है, मेरा शॉर्ट्स है ना, मेरा है ना। कैसा हुआ पेपर भी ने तेरा? अच्छा। बहुत अच्छा। डैडी आके पूछेंगे भी, देख ले। चल चल जल्दी कर ले, फिर रोटी दूंगी। गाइस बाहर आया टुम टुम, और यहाँ यहाँ पे बैठा है, फ्रेंड्स पे बैठा है, बैठ के टुम टुम है ना। ओ भाई क्या कर रहा है? क्या कर रहे हो? ये सुरजीत कौर की चॉकलेट कितनी बड़ी लगा। हाँ हाँ देख रहे हो, मारी दीक्षा तेरी ठीक है। विनय नीचे क्या कर रहे हो? और ये कौन बैठा है? तुम ऊपर आओ, ऊपर ऊपर आ जा दोनों जने। तो गाइस अभी मैं ऊपर आई, और ऊपर ये मशीन लगा रखी है कपड़े धोने के लिए। सांड बढ़ गया था इनके घर भाई, है ना भाई, काला काला है ना। चलो चलो कहाँ गया बोला। ओ तेरी की, वो सांड बढ़ गया था। कितना बड़ा था? कितना बड़ा कितना क्या? हाँ वो है, उसने बताया नहीं ना मम्मी को, मैं सोने लग रहे होंगे। चलो अरे आ जाओ। तो गाइस कपड़े धोते धोते देखो शाम हो गई है, और ये देखो चांद दिखाई दे रहा है। चांद कहाँ है? ये रहा चांद, दिखा चांद कहाँ गया? निखिल वो बैठा हुआ है। विनय, ओ विनय चलो आ जा बेटा नीचे आओ। चलो 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 अब अंधेरा हो रहा है नीचे, चलो। गाइस आपने देखा कि हाँ कपड़े धोते धोते देखो शाम हो गई है मेरे को, और ऊपर ये यहाँ लाइट भी बाल दिए देखो। और ये है कि कपड़े धुल गए हैं, अब फ्री हो गई हूँ 1-2 दिन के लिए। फिर 1-2 दिन बाद फिर दोबारा कपड़े धोने। मशीन ये है कि 2-3 दिन बाद ही लगाती हूँ, हर रोज़ नहीं लगाती, 3-4 दिन भी हो जाते हैं कई बार, तो इतनी जल्दी नहीं लगाती। तो गाइस अभी समय हो रहा है खाना बनाने का, और खाना बनाने के साथ साथ हमारा हरी नाम भी साथ में ही ले लेंगे। कहते हैं ना समास में हरी का नाम,
जपना चाहिए, हर श्वास हरि के नाम की ही आनी चाहिए वैसे तो, ठीक है। लेकिन हमारे पास इतना होता नहीं है कि हम भगवान का नाम लें, ठीक है। इतना मतलब कि हमारे अंदर क्षमता ही नहीं है, मेरे अंदर तो है नहीं और किसी के अंदर हो तो पता नहीं, कि इतनी क्षमता नहीं होती कि हर वक्त भगवान का नाम जुबान पे रहे। तो बस ये कि जब काम करते हैं तो ऐसा होता है कि काम से बोरियत ना हो तो हम क्या करते हैं, राधा नाम का उच्चारण करते हैं, ठीक है ना। तो आप भी करिए, मैं भी करती हूँ, और खाना बनाते बनाते आप सुनते रहना जो कुछ मैं बोलती रहूंगी, और मेरे साथ गुनगुनाते रहना। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलारी। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। ये क्या कर रहा है, चीटिंग? चीटिंग चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। देख के लिख लिया, एक ही तो लिखा, एक इसमें तेरा ही नुकसान है, समझ में आई? इसमें नुकसान किसी और का नहीं है, तेरा नुकसान है इसमें। विनय कितना इजी पेपर है संस्कृत का, ये तेरा नीचे वाला सारा गलत है। जब मैं तेरे जितनी थी ना, मैं भी आठवीं में थी जब, दोबारा से कर इसको, तो मेरे को एक बार दरवाले ना लिखे, नहीं मेरे पास ना एक ही आती थी, पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठामी, आगे पठामी पठावा पठामा, ऐसे ही ना कर, 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 गलत है थी या सही थी बता तो दो। पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठामी, पठामा पठामा पठावा, और साउंड तो वैसे ही है ना। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा, दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा, नहीं क्यों है, साउंड वैसे ही नहीं है। अरे पठसी पठत पठत पठत, अरे भाई मैं, मेरे को तो इतना पता, मैं तुक्का मार के आई थी पेपर, मेरे को ये भी नहीं पता था क्या था क्या नहीं लिखना था। मेरे तो संस्कृत वाले टीचर हैरान हो गया था, और बाबा ये पास किस तरह होगी या एक, उसका पता क्या हिसाब था, देखो उसने पेपर लिया, पेपर ऐसे था मेरे पास, ऐसे ऐसे था पेपर, तो ना पहले तो ऐसे देखा, रोल नंबर मेरा दो था, रोल नंबर दो सुमन न्यू दिन तो है ना, पहले एक बार न्यू देखे, फिर दोबारा, फिर मेरे मुंह को नहीं देखा, फिर उन्हें पेपर न्यू दिया, और फिर खासी देर तक तो बस सोचता रहा, बाबा इसकी इतने नंबर आए किस तरह, मेरे नंबर थे 41, मेरे को नंबर भी याद है 100 में से 41 मैम। अरे जिसको 10-15 नंबर की उम्मीद ना हो उसके 41 आ जाए, हैं बात तो सही है। उसने कहता था आपने तीसरा का दिखाते, उसने कहा था तो पास ही होगा दिखाते, 33 नंबर कर ली होगी यार इसने। अरे चीटिंग नहीं, उसको बंदे को टीचर को जो था ना वो हमारा, उसको इतना वो नहीं था, अपनी कुर्सी के साथ बिठाया था मेरे को भी, यहाँ बैठ जा, सारे ऐसे लाइने लगी थी, लाइन में सटा के ना अपनी उस पे बिठाया था चेयर के पास। ये क्या करता है यार पेन का, देखिए हैं, पढ़ ले। तो फाइनली गाइस अब समय हो चुका है व्लॉग को एंड करने का, और आई होप आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया हो, पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर, और हो सके तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, और कर देना कल के व्लॉग में हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कुछ पता नहीं होता कि कल क्या होगा, क्योंकि डेली व्लॉग में ये नहीं पता चलता ना कि पहले से ये चीज़ कहीं जाना हो तब तो हम ये कह भी दें कि हाँ कि हम वहाँ जाएंगे, लेकिन जब कहीं जाना नहीं कहीं आना नहीं तो ये पता ही नहीं होता ना कि हम क्या करेंगे कल। तो कल जैसे जैसे रूटीन हमारी चलेगी वैसे वैसे हम आपको दिखाते रहेंगे, और हर रोज़ का यही होता है कि हाँ भी जैसे जैसे रूटीन चलती है वैसे वैसे हम आपको दिखाते हैं। तो चलो मिलते हैं कल, अब बाय।